इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है जहां जयपुर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। अहम खबर आपको बता दें, जयपुर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई, अधिशासी और सहायक अभियंता ट्रैप किए गए हैं। टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, जहां लाखों रुपए का बिल पास कराने की एवज में मांगा था कमीशन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां आरोपी ने की थी 1,34,000 रुपए की मांग। तो ताजा खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो रिश्वत लेते ट्रैप किए गए हैं। जयपुर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, अधिशासी और सहायक अभियंता ट्रैप की गई। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपको बता दें इस तरह की घटना और इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ, इस विषय पर तमाम जानकारी के साथ विशाल शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, किस तरह की अपडेट इस विषय में, रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं ये दो अधिकारी? देखिए, बिल्कुल, एसएसबी की टीम ने पूरा जाल बनकर राजस्थान जो कृषि निगम बोर्ड है उनके अधिकृत अभियंता और जो की सुरेंद्र सिंह है और उसके अलावा जो की सहायक अभियंता है गुलाब सिंह, दोनों को एक परिवार से 30,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल जो एसएसबी की जयपुर की डिटेल आई है, उनको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी जो परिवार की फार्म है उनके द्वारा जो राजस्थान कृषि निगम बोर्ड से जो कार्य निर्माण कार्य करवा देते हैं उनमें जो पूर्व में जो पास जो बकाया बिल थे जिनकी राशि करीब 24,50,000 रुपये थी, उनके बिलों के पास करवाने के बाद जो राशि का जो कहें कि 5.5% से ज़्यादा ये कमीशन की है कि ये दोनों रिश्वत को अधिकारी डिमांड कर रहे थे और कमीशन की जो राशि है 5.5% वो करीब 1,34,000 रुपये की वो राशि मांगकर लगातार परिवार को परेशान किया जा रहा था और जिसकी पहली किस्त है 1,000 रुपये वो लेते हुए एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, और देखिए इन्हें ट्रैप इसी चीज़ को लेकर के किया गया। अगर बात यहाँ पर ट्रैप करने की जाए तो इनको जानकारी कैसे मिली थी एसीबी को कि यहाँ पर रिश्वत खोरी का कार्य चल रहा है, क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई शिकायत इन दोनों अधिकारियों से? देखिए, परिवादी ने एसीबी में शिकायत की थी और उसके बाद ही एसीबी ने इन दोनों को ट्रैक किया है और इनको ट्रैक करने के बाद उनके जो आवास और अन्य ठिकाने हैं वापस ही एसीबी की ओर से सर्च अभियान चलाया गया है और सर्च ऑपरेशन में करीब एक तरह से कहें कि जो 30,000 रुपये की राशि ली थी उसके अलावा जो आरोपी सुरेंद्र सिंह चौधरी है उसके जो जयपुर में जो फ्लैट है वहाँ पर 5,00,000 रुपए की राशि है वो भी बरामद हुई है और इसी तरह जो आरोपी गुलाब सिंह है उसके आवास पर भी 5,30,000 रुपए की जो राशि है और लाखों रुपए के जो बाजार मूल्य के जो चल अचल संपत्ति है उसके दस्तावेज एसीबी के हाथ लगे हैं। अब जो दोनों आरोपियों के जो विभिन्न ठिकाना है वहाँ पर भी अभी भी एसीबी टीम की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी चलिए, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।